आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन शुरू होने में एक महीने से काम का समय बचा हुआ है और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से तीन बड़ी खबरें या फिर कह लिए तीन बड़े अपडेट निकल कर आए हैं। तो तीनों ही बड़ी खबरें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो ओवरऑल ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़ी हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की या फिर कह लिए पहले बड़े अपडेट की जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आई है आईपीएल 2022 की नीलामी से पहले। वह मुंबई इंडियंस के वाइस कप्तान को लेकर हमें मुंबई इंडियंस की टीम के वाइस कप्तान आईपीएल 2022 के सीजन में सूर्य कुमार यादव बनते हुए नजर आने वाले हैं। मुंबई इंडियंस की टीम आने वाले फ्यूचर के लिए भी अपनी टीम को बिल्ड करेंगे इस ऑक्शन में, तो मुंबई इंडियंस की टीम हमें सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम का वाइस कप्तान बनाते हुए नजर आने वाली है। अगर रोहित शर्मा कोई मैच में इंजर्ड हो जाते हैं या फिर फिट नहीं रहते कोई मैच में आईपीएल 2022 के सीजन में, तो हमें सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तानी भी करते हुए नजर आने वाली है। तो यह बहुत बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया वाइस कप्तान और कप्तान को लेकर, तो हमें मुंबई इंडियंस की टीम के वाइस कप्तान आईपीएल 2022 के सीजन में सूर्य कुमार यादव नजर आने वाले हैं। आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस की टीम का सही फैसला है या फिर नहीं सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी को अपनी टीम का वाइस कप्तान बनाना, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आई आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले, वह डेविड वार्नर को लेकर। डेविड वार्नर अब स्पेशल पिक के जरिए न तो अहमदाबाद न तो लखनऊ की टीम में जाने वाले, अब डेविड वार्नर हमें मेगा ऑक्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आने वाले हैं। और मुंबई इंडियंस की टीम को एक ओपनर की नीड है और मुंबई इंडियंस की टीम हमें डेविड वार्नर को इस मेगा ऑक्शन में टारगेट करते हुए नजर आने वाली है। डेविड वार्नर हालांकि काफी एक्सपेंसिव प्राइस में इस मेगा ऑक्शन में बिकने वाले हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम किसी भी कीमत पर डेविड वार्नर को इस मेगा ऑक्शन में खरीदना चाहिए और मुंबई इंडियंस की टीम हमें डेविड वार्नर के ऊपर इस नीलामी में 10 से 12 करोड़ रुपए भी लगाते हुए नजर आ सकती है। और मुंबई इंडियंस की टीम पूरी तरह से तैयार है डेविड वार्नर के ऊपर लंबी चौड़ी बिल्डिंग करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस की टीम को डेविड वार्नर को खरीदना चाहिए या फिर नहीं आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और अगर डेविड वार्नर को मुंबई इंडियंस की टीम खरीद लेती है इस नीलामी में, तो काफी मजबूत हमें मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के सीजन में नजर आने वाली है। बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी बड़े अपडेट की जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आई आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले, वह बीबीएल के स्टार प्लेयर को लेकर। मुंबई इंडियंस की टीम हमें बिग बैश लीग के ज्यादा प्लेयर्स को इस मेगा ऑक्शन में टारगेट करते हुए नजर आने वाली है और कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम निकल कर सामने आए जिनसे मुंबई इंडियंस की टीम ने कॉन्टैक्ट किया है। चलिए बात कर लेते हैं पहले खिलाड़ी की जिसे मुंबई इंडियंस की टीम ने अप्रोच किया है, उस खिलाड़ी का नाम है टाइमल मिल्स। टाइमल मिल्स बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं बिग बैश लीग में और मुंबई इंडियंस की टीम ने इनके प्रदर्शन को देखते हुए टाइमल मिल्स के साथ में कॉन्टैक्ट बढ़ा दिया है और हमें मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा बनते हुए टाइमल मिल्स नजर आने वाले हैं। और काफी अच्छे गेंदबाज है और काफी एक्सपीरियंस है इनके पास भी आईपीएल का और इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो हमें मुंबई इंडियंस की टीम टाइमल मिल्स के पीछे भी इस मेगा ऑक्शन में जाते हुए नजर आने वाली है। और अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है जोशुआ फिलिपी। जोशुआ फिलिपी भी काफी अच्छा प्रदर्शन बिग बैश लीग में कर रहे हैं, काफी कंसिस्टेंसी के साथ में भी रन बना रहे हैं, तो इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए मुंबई इंडियंस की टीम जोशुआ फिलिपी जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज को भी अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए नजर आने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस की टीम का आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में कौन से खिलाड़ियों को खरीद कर अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।